भैया कार का बाजार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना फैल गया है कि बिल्कुल दिल से इच्छा नहीं कर रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, लेकिन भाई साहब बात ही इतनी बड़ी है कि इतना बड़ा पत्थर रख के आज हम बात करने वाले हैं पवन सिंह के न्यू कमिंग सून कार के बारे में। अरे भैया लोगों के होते होंगे 36 के आंकड़े, हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो 72 के आंकड़े होते हैं। जानते हो क्यों? देखो भैया, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के कार की कहानी बड़ी पुरानी है। हम आपको बताते हैं कैसे। स्टार्टिंग के दिनों में पवन सिंह, याद होगा आपको, स्कॉर्पियो से चलते थे। फिर हुआ ये, खेसारी लाल यादव ने स्कॉर्पियो खरीदा तो उस दिन से पवन सिंह ने स्कॉर्पियो में बैठना छोड़ दिया और उसके कुछ दिन बाद ही फॉर्चूनर खरीद लिए और उसके बाद पवन सिंह जो है वो फॉर्चूनर पे घूमने लगे। अब देखिए, खेसारी लाल यादव भी सुपरस्टार, पैसा कमाते हैं। खेसारी लाल यादव को भी मन हुआ क्या पवन भैया की तरह फॉर्चूनर की सवारी करेंगे और वो भी लेके आते हैं फॉर्चूनर। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पवन सिंह उस दिन से फॉर्चूनर पे बैठना छोड़ देते हैं और जाके ली आते हैं रेंज रोवर 1,56,00,000 रुपए का। अब आपको लग रहा होगा स्कॉर्पियो फॉर्चूनर वो उस समय की बात थी जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में खूब ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी चलता था, इसलिए पवन सिंह हमेशा उनसे ऊपर रहना चाहते थे। लेकिन भैया हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि खेसारी लाल यादव ने रेंज रोवर डिफेंडर खरीदा और भैया डिफेंडर अभी सही से घर भी नहीं पहुंचा होगा तब तक। नाउ इंट्रोड्यूसिंग पवन सिंह न्यू रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। नहीं नहीं भैया, पवन सिंह ने अभी गाड़ी को खरीदा नहीं है, लेकिन खबर बड़ी तगड़ी है और खबर ये है कि पवन सिंह जो अपना बजट गाड़ी का फिक्स किए हैं वो 4 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया तक का बजट फिक्स किए हैं और इस बजट में 2 गाड़ी आता है। पहला वाला गाड़ी तो इतना प्यारा गाड़ी है और इतना भयानक गाड़ी है कि वो तो हमको भी मन है कि पवन भैया ले ही ले। खैर हम आपको बताते हैं वो 2 गाड़ी कौन है। दूसरे नंबर पे जो गाड़ी आता है उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह रेंज रोवर का टॉप मॉडल लेने जा रहे हैं। जरा सोच के बताओ, आपसे अगर कोई कहे कि हम हीरो का टॉप मॉडल मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं तो कितनी फर्जी बात है। उसी तरीके से ये रेंज रोवर वाली बात जितने भी मीडिया वाले बता रहे हैं वो फर्जी है। असल में पवन सिंह के घर जो टेस्ट ड्राइव के लिए कार आई थी उस कार का नाम है रेंज रोवर लैंड रोवर ऑटोबायोग्राफी। दोस्तों इसकी कीमत जानते हैं कितनी है? देखो भैया कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करके बता देते हैं कि खेसारी लाल यादव का जो गाड़ी है उसका दाम जहां पे खत्म होता है वहां पे पावर स्टार पवन सिंह का ये गाड़ी का दाम शुरू होता है। मतलब इस गाड़ी का दाम शुरू होता है 2,40,00,000 रुपए से और खत्म होता है 4,20,00,000 रुपए पे। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसका चर्चा लगभग 1 साल से है और मेरा भी दिली ख्वाहिश है कि पवन भैया ये गाड़ी को ले ही लें। और इस गाड़ी का नाम है रोल्स रॉयल फैंटम सीरीज। दोस्तों बात करें इसकी कीमत के बारे में तो ये 9 करोड़ रुपए से शुरू होता है और 11 करोड़ रुपए जाके खत्म होता है। और दोस्तों जैसा कि पिछले साल आपने सुना था पवन सिंह ने बुक किया है रोल्स रॉयल फैंटम सीरीज। और आपको बता दें कि इस गाड़ी को बुक 6 महीना से लेके 1 साल पहले करना पड़ता है, तो क्या पता पवन सिंह इस दिवाली जोर का झटका धीरे से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में दे देंगे। दो मुकाद नाच के गिर जाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 करोड़ के कार से मार देंगे लोगों की। खैर भैया ये तो समय बताएगा कि पवन सिंह इन दोनों मेहमान में से किसको लाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो आपका जवाब है, आप ही लोग के लिए तो पवन सिंह करते हैं। और आप नीचे कमेंट करके ये बताइए कि पवन सिंह को अपने काफिला में किसको जोड़ना चाहिए, रेंज रोवर लैंड रोवर ऑटोबायोग्राफी को या फिर रोल्स रॉयल फैंटम सीरीज को। जल्दी जल्दी कमेंट करो। का हो करे जाए फॉलो कर ला।